दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के बारे में। आपको पता है समर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो है ये ऑनलाइन तरीके से लेने का यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये कि एग्ज़ाम जो है वो प्रॉक्टर्ड तरीके से होगी या फिर वो नॉन प्रॉक्टर्ड तरीके से होगी। इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, और साथ ही जो आइडॉल के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम का क्या होगा, और जो डीएससी के स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स का भी क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलिए, और आपको अगर अपडेटेड रहना है एजुकेशन से रिलेटेड तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के समर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ये प्रॉक्टर्ड तरीके से होगी या फिर नॉन प्रॉक्टर्ड तरीके से। तो दोस्तों जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार क्लस्टर जो कॉलेजेस है उस पर डिपेंड है कि एग्ज़ाम से प्रॉक्टर्ड तरीके से लेनी है या फिर नॉन प्रॉक्टर्ड तरीके से। इसका मतलब ये है जो क्लस्टर कॉलेजेस है वो एग्ज़ाम्स जो है वो प्रॉक्टर्ड तरीके से भी ले सकते हैं और नॉन प्रॉक्टर्ड तरीके से भी ले सकते हैं, ये टोटली उनका डिसीजन रहेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसमें दोस्तों मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क गिरेगा अगर एग्ज़ाम्स प्रॉक्टर्ड तरीके से होती है या फिर नॉन प्रॉक्टर्ड तरीके से होती है। आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर दी बोथ मोड्स। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि अगर प्रॉक्टर्ड तरीके से एग्ज़ाम होने वाली है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉक्टर्ड ही एग्ज़ाम होनी चाहिए, और अगर नॉन प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होती है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए नॉन प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम ही होनी चाहिए। सारे स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कॉलेजेस में प्रॉक्टर्ड तरीके से एग्ज़ाम हो और कुछ कॉलेजेस में नॉन प्रॉक्टर्ड तरीके से हो। इस डिसीजन के रिगार्डिंग अभी तो कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अगर आगे जाकर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्लैरिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो उस पर भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आइडॉल स्टूडेंट्स के बारे में और जो डीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर आइडॉल स्टूडेंट्स की बात करें तो आइडॉल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो आइडॉल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एग्ज़ाम्स ये ऑनलाइन तरीके से ही होगी, और जो सर्कुलर है और जो टाइम टेबल है वो भी जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों जो डीएससी के स्टूडेंट्स हैं इन सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम भी ये ऑनलाइन तरीके से ही होने वाली है। इनके जो टेंटेटिव डेट्स है वो भी आ चुके हैं। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कि डीएससी की एग्ज़ाम्स ये किस तरीके से होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। इस टॉपिक को लेकर आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।